नमस्कार, रसीला कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं ढोकला बनाऊंगी। ये ढोकले का आटा है जिसको हमने रात को भिगो के रखा था, और अभी इसके अंदर हम ये अदरक मिर्ची का पेस्ट डालेंगे, नमक डालेंगे, ये दूधी डालेंगे, कोथिंबीर डालेंगे और इनो डालेंगे और ढोकला बनाएंगे। ये 200 ग्राम दूधी हमने क्रश कर ली है। अब इसके अंदर हम अदरक मिर्ची के पेस्ट डालेंगे। नमक डालेंगे स्वाद के साथ, दूधी डालेंगे, और कोथिंबीर डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और थोड़ा इनो डालेंगे। ये अभी बेटर तैयार हो गया है। इसको अभी हम स्टीम ढोकला बनाएंगे। ये रात को भिगो के बनाए तो ढोकला अच्छा बनता है। और ये आटा हमने पीस लिया है, दाल चावल का ढोकला। अभी ये ढोकला हम स्टीम करने रखते हैं। इसके अंदर हमने लाल मिर्ची छिटक दिया है। अभी ये 5 मिनट में हो जाएगा स्टीम ढोकला। दाल चावल का स्टीम ढोकला खाने में हेल्दी है और बढ़िया है। ये स्टीम ढोकला तैयार है। और ये कोथमीर मिर्ची का चटनी और तेल, ये स्टीम ढोकला खाने में बढ़िया है। हैवी ब्रेकफास्ट ढोकला दाल चावल का।